जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सारस पक्षी को जबरदस्ती वन विभाग की टीम ले गई थी और सारस पक्षी खो गया। वन विभाग की टीम ले गई, आप देख सकते हैं यहां पर, मैं आपको यहां पर एक न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आई है कि सारस पक्षी जो वन विभाग ले गई थी वो वहां से गायब हो गया। आखिर गया कहां दोस्तों? आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो सारस पक्षी खोया है अगर किसी को मिले तो वो आरिफ भाई तक पहुंच सके। सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यार वो सारस पक्षी जो जबरदस्ती आरिफ भाई से अलग किया गया उसको एटलीस्ट वो आरिफ भाई के पास आ सके, क्योंकि जबरदस्ती इस बीजेपी सरकार की वजह से जो उसके अधिकारी उन्होंने जबरदस्ती उसको कैद किया, आरिफ के पास से दूर किया उसको, उसकी जो दोस्ती की बेमिसाल थी उसको अलग किया, दोस्ती को तोड़ने का काम किया और सारस पक्षी वन विभाग से जो ले गए थे वहां से गायब हो चुका है। रायबरेली में इसको रखा गया था और देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा इसकी दोस्ती है, आरिफ भाई के साथ खाना खाता था, आप समझ सकते हैं। जो जीव जंतु जिसको सारस को कीड़े मकोड़े मछलियां खाना पसंद है, मांसाहारी है, वो देखिए आज इस बंदे के साथ सब्जी दाल चावल रोटियां खाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। और जबरदस्ती वन विभाग की तरफ से उसको दूर करने का काम किया गया था दोस्तों। और फिर क्या होता है, आप मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकता है, क्या पता सारस पक्षी गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता उसको, तो वो अब वन विभाग से वहां से भाग चुका है। अब वो गया कहां, कहां गया किसी को अभी पता नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सारस पक्षी जिसके पास भी मिले लोगों तक खबर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा जहां भी मिले तो एटलीस्ट वो आरिफ के पास उसको पहुंचाने में मदद करें। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं दोस्तों कि क्योंकि वो भी एक पक्षी है और जिसको आरिफ के साथ रहना पसंद है, अगर उसका पैर टूटा था उसने उसको बचाया था, अगर उसको जाना होता तो बहुत पहले ही उसको छोड़कर जा सकता था, लेकिन सारस पक्षी उसके साथ ही रहा, दोस्त बनकर रहा। और आपको पता है दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में उसके न्यूज़पेपर में, न्यूज़ टेलीकास्ट की कहानियां हर जगह चर्चित थी। आपको पता है कि लोग उसको देखने के लिए कितने इच्छुक है, और क्या होता है कि एक अखिलेश जी के जाने से, मिलने से उसका सारस पक्षी उस इंसान से छीन लिया जाता है। आप समझिए कि क्या इसमें कितनी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कितनी गंदी घटिया तरीके की पॉलिटिक्स, मतलब जो और इतने ज्यादा जो लूटपाट हो रही है, रेप हो रहे हैं, वहां पर सरकार की निगाहें नहीं है और छोटे से पक्षी उस दोस्ती के बीच को उसको तोड़ने, दरार उसमें दरार पैदा करने में ये सारे जो वन विभाग की टीम इन्होंने किया। तो मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो सारस पक्षी है वो आरिफ भाई के पास आ सके, क्योंकि वो भी एक उसका एक सदस्य था। अब टीम उसका एक, मतलब समझिए दोस्ती थी यार, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसको अलग किया, और वो अब वहां से गायब हो चुका है, अब वहां पर नहीं है जहां उसको रखा गया था। अब आरिफ भाई से पूछो कि उनके दिल में क्या बीत रही होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आरिफ का सारस है, सारस पक्षी उसको मिल सके और दोस्ती की जो बेमिसाल जो कायम होती उसको बरकरार किया जाए और सारस पक्षी उसको दिया जाए, उसको दूर ना किया जाए। और आप लोग इसमें मदद करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे लोगों तक बात जाएगी और सारस पक्षी जहां भी होगा कहीं भी खो सकता है, कोई भी उसको कुछ भी कर सकता है यार, आप समझ सकते हैं, वो पक्षी है और हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान आरिफ जैसा नहीं है, आमिर जैसा नहीं, जो लोग उनको पालते हैं रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो साथ में साथ देते हैं और जो हमारी सरकार है उसको अलग करने का काम किया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को शेयर करिए, बार बार बोल रहा हूं शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि सारस पक्षी एक्चुअल में है कहां और खोकर वो गया कहां, उड़कर गया कहां, आखिर उसके साथ क्या हुआ। अगर वो मिलता है तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ये सारस पक्षी है कहां, मैं भी कोशिश में लगाऊं कहीं ना कहीं से पता चले कि सारस पक्षी है कहां, अगर मिलता है तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें और एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि सारस को आरिफ से मिलाने में मदद करें। आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, ये सोशल मीडिया का पावर है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करें।